मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड माय नेम इज अनुज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सेम ईयर मी टू एंड माय शुना लाला से हाय टू एवरीवन। से हाय गिच्ची से भी हाय। और अब भी उठ रहा है मेरा शुना और हम लोग जा रहे हैं छत पे। हाँ जी, फरमाइश करी गई कि छत पे लेके चले। क्या लेके चले हम? गाड़ी। क्या लेके चले? गाड़ी। हम लोग जा रहे हैं छत पे एंड अभी हो रहा है 12:30 समथिंग हो रहा है। एंड आज बन रही है हमारे यहाँ खटाई। बहुत दिनों बाद मैं धूप तो खैर रेगुलर 4 दिन तक नहीं आई थी, उसके बाद 4 दिन बाद जो है धूप आना शुरू हो गई थी। तो मैं मम्मी को काफ़ी टाइम से भी बोल रही थी कि मम्मी खटाई बनाते, खनारे टाई बनाते, बट टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज फाइनली मम्मी खटाई बना रही है एंड इट इज़ माई चुना। माई गॉड, माई गॉड, उफ्स उफ्स, माई गॉड, जद्दोजहद करते हुए। चलिए चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। सो हम लोग ऊपर जा रहे हैं धूप सेकने के लिए। इवनिंग की तो मॉर्निंग की तो आज सेक नहीं पाए क्योंकि थोड़ा बहुत लेट वेट काम हो गया था। सो हाँ मम्मा किटवा शुना लाला अब भी उठा। सो चलिए ऊपर चलते हैं एंड खटाई खाते। चलिए लेट्स गो करते, कंटिन्यू करते, बात करते ऊपर। हे भैया जी, सब पहुंच गए हम लोग छत पे। कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए मम? एंड हियर इज माय खटाई। मम्मी दे बैठो, मैं इनके थोड़ा इधर उधर दूंगा। एंड ये रही भैया हमारी खटाई। धूप में बैठ के ठंड में खटाई खाने का सीरियसली मजे कुछ और। हियर इज माय, ये मेरे मम्मी भाई और ये पूजा हमेशा की तरह। एंड हियर इज माय चूचू, कहाँ भाग गया? खटाई मम्मी क्या क्या डालती मम्मी इसमें? तो जीरा, लहसुन के पत्ते और क्या धनिया, ये सब डाल। पहले मसाला बनाया जाता है उसका पूरा पीस के, जैसे चटनी होती ना वैसे बनाया जाता है। तो खटाई निकाल के उसमें चीनी और मिर्ची। और भैया जिसे सर्दियों में जुखाम हो तो भयंकर मिर्ची डाल दो, उसमें जुखाम सारा ऐसा निकलता है कि बस पूछो मत। और ये रही हमारी खटाई, यमी यमी टेस्टी खटाई। पहले खटाई का आनंद लेते हैं एंड देन ब्लॉग की बातें करते हैं। चलिए भैया कंट हो गए खा के, खट्टा और मिर्ची वाला। एंड आज का जो व्लॉग है वो मेरा ऑब्वियसली डेली व्लॉग बन रहा है। एंड फर्स्ट टू फिफ्थ का मैंने बना रखा था अपना प्लान कि मैं अपना हेयर वॉश करवाने एंड D10 वगैरह या क्लीनअप करवाने जाऊंगी। तो वो अभी भी, आज तारीख क्या है? तारीख भी पता नहीं मुझे, तो तारीख भी घर पे याद नहीं जा रही। हालांकि मेरा याद था कि मुझे करवाना है बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो देखती हूँ मैं किस दिन टाइम मिलता है। एंड आज तो जाना का प्लान था, सो मैंने आज नहीं जा पाई, घर पे ही मैंने हेयर वॉश कर लिया। सो दो तीन दिन बाद देखती हूँ कब जाती हूँ। एंड आज जाने का रीज़न ये है क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे सास ससुर मेरे गंजू से मिलने के लिए। हेयर इज़ माई गंजू, मेरे गंजू से मिलने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तो उन्होंने सोचा होगा चलिए मिलाते हैं चूचू जी। सो आज वो लोग मिलने आ रहे हैं तो इसलिए मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मे भी शायद से वो खाने के बाद 2 या 2:30 बजे के बाद आएंगे, है ना चूचू? कौन? दादा बोलो, कैसे बोलते? दादी, पापा, पापा, मिच यू। अच्छा चलो सबको 1, 1, 2, 2 बोला, 3, 4, 5, ये ब्रावो। आजकल 1, 2, 2, 3 अपने आप ही बोल रही है। एंड इतनी कड़क धूप हो रही है सीरियसली, अब भी बाल धो के, जस्ट अब भी बाल धो के आई थी एंड सूख गए हल्के हल्के, जस्ट अंदर अंदर से रखे हैं। एंड दिन की खटाई हो चुकी है, खाना वाना बन चुका है। आजकल हम जो है धूप का ज़्यादा आनंद ले रहे हैं क्योंकि ऊपर ठीक रहता है, तो दिन का खाना भी ऊपर ले आते हैं, ऊपर ही खाते हैं, है ना चूचू? है ना चूचू? इंजॉय करते हैं अपनी धूप को। कैसे देख रहा हूँ वहाँ से ये खड़ा हुआ। मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। ट्रैप में वीडियो चलती है, नहीं पता चलता है। हाँ
मैमी सो खाना लेने जा रही हूँ। हालांकि हम लोग आजकल जो है रेगुलर जो है धूप पे ही ऊपर छत में ही अपना लंच वगैरह फिनिश कर लेते हैं, यहाँ से ले गया नीचे चल के खाते, ऊपर चल के खाते हैं धूप में आराम से बैठ के। मैं ले चलती हूँ शुना लाला के लिए खिचड़ी एंड देन लंच वगैरह करते हैं एंड वेट करते हैं मम्मी पापा का, देखते हैं लेट्स सी कब तक आते हैं। चलिए भैया जी हो गया सो हमारा लंच वंच, और आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले चक्रोता खाया देन उसके बाद लंच, ट्रैप में वीडियो चलती है। एंड आजकल धूप इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है ना, ऊपर से ठंडा ठंडा सा मौसम, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा एंड धूप पड़ती है ना तो नींद आ जाती है हल्की हल्की सी, एंड धूप में लगता है कि मन बस सेकते रहो हाथ पैरों को आराम से। आजकल मैं योगा भी जा रही हूँ तो उस वजह से आप लोगों जैसे मैंने बताया तो पैर हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहा है। और मैं तो मॉर्निंग के टाइम पे भी एंड इस टाइम पे दिन के टाइम पे भी दिन छत पे आ जाती हूँ तो अपनी दरी बिछाई और लटक जाओ भैया दरी में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अभी मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया है, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं एंड इतना सारा प्यार देते हैं मुझे। बट उसके अकॉर्डिंग 300 मोर देन 300 सब्सक्राइबर्स है, बट उसके अकॉर्डिंग जो मेरे व्यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे लाइक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। ऑन दैट आई एम नॉट सेटिस्फाई एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है तो थोड़ा बहुत लगता है कि यार मोर देन 300 सब्सक्राइबर्स आई हैव एंड लाइक आई एम जस्ट हैविंग अ 20, 18, 15, 30 ऐसे करके। सो प्लीज़ अपना लाइक अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए, मेरे व्लॉग में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ आपको मेरे व्लॉग में अच्छी लग रही है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जो व्लॉग में अच्छा लगता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लाइक ज़रूर कीजिए, व्यू ज़रूर कीजिए क्योंकि उसी चीज़ का सबसे बड़ा महत्व है मेरे व्लॉग में। एंड हियर इज़ माय गंजू पार्टी, लुक इट माय शुना लाला। माशा कहाँ है माशा? उसका फेवरेट कार्टून रखा है मार्शा एंड द बेयर। से मार्शा, मार्शा एंड द बेयर, मार्शा एंड द बेयर। से आई लव यू टू एवरीवन। आलू आलू भैया ये रहे बिस्किट, आटे की बिस्किट जो कि मैंने आप लोगों को नमकीन की दुकान आपको बाईपास में शेयर करी होगी। आटे की बिस्किट मैं वहाँ से आजकल कन्नू के लिए ले रहा आके आ रही हूँ और इतने ज़्यादा यम्मी है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड वेराइटीज़ ऑफ गजक, वेराइटीज़ ऑफ बिस्किट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ नमकीन ढेर सारी है उनके पास, बट वेराइटीज़ ऑफ गजक तो वो इतनी सारी बना रहे हैं बाप रे, आलू भुजिया की, मूंगफली की, चूड़े की एंड बहुत सारी चीज़ों की, एक बार जाके ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत यम्मी बनाते हैं। एंड मेरे मम आ गए। चलिए भैया आ गए मेरे सास ससुर, चलिए चलते नीचे मिल जाती हूँ मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली। चलिए ओके भैया जी, सो फाइनली चले गए मम्मी पापा एंड हो लिया मेरे चूचू से भरत मिला। का दिया मेरे चूचू को? का दिया? कौन लाया? किसने दिया सुना को? दीदी के दादा? किसने? दादा। और दादी फ्लाइंग किस कैसे करी? एंड हो गया, मम्मी पापा तो चले गए एंड यहाँ चीज़ों की बौछार, चुटकुले, चिप्स, बिस्किट्स, जूस एंड सब चीज़ें। क्या करें भैया, चले गए, मिलके चले गए। एंड एक चीज़ तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है कि समय समय पे जो दूरियाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड दूरियाँ से इंसान को अहमियत का, उसकी चीज़ों का जो होता है ना एक एहसास होता है। तो खैर मम्मी पापा का कन्नू से तो प्यार बहुत ज़्यादा है, बट वो एक होता है ना जो लगाव हो जाता है, वो जब दूरियाँ बढ़ जाती है ना तो उस वजह से लगाव जो होता है ना वो और भी ज़्यादा निश्चित हो जाता है। एंड आपके लव वन के साथ आप लोगों का एक समय समय पर जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है ना, वो मेंटेन करके रखनी चाहिए, वो दूरी होनी चाहिए। समय समय पे इन चीज़ों का एहसास हर किसी को होना चाहिए।
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड ये मेरा मानना है, ये मेरे सोना लाला के लिए चिप्स बिस्किट एंड जूस। हाँ बाप रे बाप। सो गाइस ये था मेरा आज का दिन है ना, ये था मेरा आज का शुभ विचार आप लोगों के लिए, समय समय पे दूरियां बनाए रख रहे हैं अपने लव वन से। सो तब तक के लिए नमस्कार, शबक है, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यहाँ तक कि मेरे सोना लाला के लिए पापा अंडे भी उबाल के लाए, है ना चूचू? क्या लाए दादा? दादा क्या लाए? एग। क्या लाए? एग। पापा को पता है कि हम लोग एग नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ मीट वगैरह नहीं बनती, उसके लिए स्पेशली एग बन के लाए, उबाल के लाए। एंड इवन वो जो नमकीन खाती है, पापा की नमकीन खाते हैं, तो पापा हैंकी में उसके लिए नमकीन लपेट के लाए स्पेशली। चलिए भैया बाय बाय बोल दो, सुना से टाटा टू एवरीवन, से टाटा फर्स्ट बाय, आई लव यू, सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोल दो, नहीं अभी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।